छिंदवाड़ा उपचुनाव में भाजपा से युवा चेहरा विवेक साहू मैदान में उतरे हैं। वहीं छिंदवाड़ा में 9 बार से सांसद और 38 सालों से देश की राजनीति में सक्रिय रहे कमलनाथ उनके खिलाफ मैदान में उतरे हैं। छिंदवाड़ा में 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जिसके चलते बीजेपी के विधानसभा प्रत्याशी विवेक साहू ने शहर के अलग अलग वार्डों में जाकर धुआंधार जनसंपर्क कर रहे हैं और वोट देने की अपील कर रहे हैं। इसी के चलते बंटी साहू ने शहर के रिसाला मस्जिद पहुंचकर भैया जी की दरगाह पर चादर पेश की और लोगों से आशीर्वाद मांगा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। हमारे शहर का बेटा है, हमारी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो भी हमें तकलीफें जाएंगे तो आम जनता हमारे बंटी जी को, हमारे लोग जो प्रत्याशी है, अगर वो मान लो आपकी दुआ से जीत जाते हैं तो हम उनसे आधी रात को अपना काम करवा सकते हैं। और जो जो प्रत्याशी है, सीएम जिनको अपन बोलते हैं, उनकी तो 100 सिक्योरिटी गार्ड है। अगर किसी कोई मुसीबत ज्यादा अपना काम लेके जाएगा तो उसके सैकड़ों धक्के खाना पड़ेगा, तब कहीं जाके नंबर लगेगा। वहीं हमारे जो प्रत्याशी हैं वो हमारे अपने शहर के हैं, हमारा अपना बेटा है, हमारा अपना भाई है, किसी का बेटा है किसी का भाई है। ऐसे प्रत्याशी को हमारे मुस्लिम समुदाय से हम गुजारिश करते हैं कि एक अच्छा प्रत्याशी हमारे अपने बीच में आपकी दुआएं लेने आपके भैया जी सरकार में पेश हुए, हाजिरी पेश की उन्होंने, चादर पेश की, और उनके हक में दुआ कीजिए कि बंटी साहू जी ऐतिहासिक मतों से जीते और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताकर विधानसभा में पहुँचाएं। इतना कहकर अपनी बात